श्रीमद् भागवत क्यों कहा गया? जितने भी प्राण है समस्त प्राण की श्रवणी सम्राट श्रीमद् भागवत कहा। क्यों? ना जिस कथा श्रवण करने से तत्क्षणात् श्रद्धो हृदो अवरुद्धते कृति भी सुश्रुमि तत्क्षणात् श्रद्धो हृदो अवरुद्ध सुश्रुभि शब्द का अर्थ होता है श्रवण करने की इच्छा मात्र से ही। अभी श्रवण किया ही नहीं, घर में अभी विराजमान है, कहीं से उनके पता लगा कि फलाना जगह में भागवत कथा हो रही है, होगी। देखो आज मैं इस कथा में मैं जाऊंगा श्रवण करूंगा। ये श्रवण करने की इच्छा होने के साथ ही साथ स्वयं भगवान श्री हरि उनके हृदय में क्या होते हैं? बैठ जाते हैं। सत्तो हृदय अवरुद्धते पृथ्वी सुश्रुभि तत्क्षणात्, और जब श्रवण प्रारंभ कर देते हैं सुनते सुन श्रवण करते हैं कि स्वयं भगवान उनके हृदय में प्रेम संचार कर देते हैं। और वृंदावन बिहारी लाल की पूर्व काल में इस कथा की प्रसंग पद्म पुराण में वर्णन हुआ है। पूर्व काल में दक्षिण देश में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान ब्राह्मण रहते थे, उनके पास अथा धन था है? उसके नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। क्या नाम था? आत्मदेव ब्राह्मण। ब्राह्मण उच्च कुल के ब्राह्मण धनाढ्य भी थे और उनकी सुंदर सुशीला एक पत्नी भी थी। से नाम भी बहुत सुंदर है। क्या नाम है उसका? धुंधुली। क्या नाम है? हाँ भाई, ऐसे किसी के नाम है अभी तक? किसी के नाम है? किसी के पत्नी के नाम धुंधुली रखा गया क्या? कितने सुंदर नाम है। हाँ, हो सके तो आप नया करके एक नाम दे दीजिए। मजाक नहीं, सब पति तो दे देंगे नहीं, पत्नी शिकार करे तब तो होगा नहीं भाई। नाम तो सुन धुंधली मचाने वाली थी। ऊपर से देख, ऊपर से तो बहुत सुंदर बात करती थी किंतु अंतर हृदय अत्यंत कुटिला थी। पति जब घर आ जाते थे पति के सामने बहुत सुंदर व्यवहार करती थी और पति जब घर से बाहर चले जाते थे बस पड़ोसी से तो पड़ोसी है उनके साथ तो झगड़ा छोड़ने में पूछी है कलह प्रिया जिसे कहा जाता है। क्या बताया? कलह प्रिया। कलह झगड़ा करने की जिनकी आनंद होता है। कुछ लोगों के ऐसे स्वभाव होता है कलह करना झगड़ा करना, इसलिए उनके नाम ही ऐसे रखा गया धुंधुली। तो देखो ब्राह्मण आत्मदेव ब्राह्मण थोड़ा कंजूस भी थे। देखो इस प्रसंग में थोड़ा सा कथा सुना देता हूं। कंजूस व्यक्ति जो होता है ना अपने भोजन करता है ना दूसरे के भोजन कराते है तो धन संपत्ति बहुत है, ना अपने पहनता है कपड़ा सुंदर कपड़ा पहनते हैं ना दूसरे के दान दक्षिणा देते हैं। इसके कहा जाता है क्या बोलते हैं? क्या बताया? कंजूस। कंजूस का मजा ना किसको खिलाते हैं ना खाते हैं ना कुछ करते हैं, हम तो बहुत लाभ सकते हैं है? और लोग उसके कहते थे क्या नाम कहते थे? दान चाह। क्या बोला है? एक पैसे किसी को दान नहीं देते थे। मंदिर में जाते थे कोई कोई सोचते थे लोग मुझे तो कहते हैं दाम चांद दाम देते नहीं, उल्टा करके कहते हैं तुम दाम चांद, बिल्कुल दाम नहीं देते।
मंदिर में जाते हैं, एक रुपया लेकर के जाते हैं, कस करके से रखते हैं। मंगलवार में भी हनुमान देवी के मंदिर में चले जाते हैं, कस करके रखते हैं इसको। और जब पुजारी आरती करके सामने आ जाते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं और सबके दिखा करके मैं दूंगा, अंतिम में देगा दूंगा। और जब पुजारी सबसे जब लेकर के उसके पास आते हैं, जब हाथ खोलते हैं और उनके पैसा बिल्कुल पानी से सरोवर हो जाता है, पसीना है ना, इतने कस करके रखे हैं, पसीना से वास ऐसे हो जाते। तुम क्यों रो रही हो? नहीं नहीं नहीं, माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी ऐसे। कुछ लोगों की सवाल होता है, दान दक्षिणा देना तो बहुत दूर की बात है ऐसे। इसलिए लोग उसके काम क्या करते थे, नाम क्या बताया, कामचा। देखो एक दिन करते करते गंगा स्नान के समय आ गए भाई, गंगा स्नान होते ही सब तीर्थ बार बार गंगा स्नान एक बार, अरे एक बार तो गंगा में डुबकी लगाओ सारे पाप नष्ट हो। गंगा स्नान के बाद समय आ गया, उनके पुत्री कहने लगी जाओ एक बार गंगा स्नान कर तो आओ। बड़े गंगा स्नान में कर दिया, बोले जाओ तीर्थ में जाओ, ये पंडित लोग बैठा रहता है, ब्राह्मण लोग पैसा दो पैसा दो, आज बात सब कही नहीं, पानी में बिल्कुल आपको खड़ा कर देंगे और एक नारियल बाजार से खरीद बाजार से ले आएंगे, जो नारियल दूसरी कोई बेच करके गए हैं, तीसरी चौथी उसी नारियल पे जो है सिंदूर लगा हुआ है ना भाई, आपकी सिंदूर लगा दी थी उसी नारियल के लेकर के भाई कादरी का मंत्र जब करो सस्त दिनों से बड़े व्यक्त में बोले दक्षिणा दो, कितना दक्षिणा दे, काय दान करो, बोले इतने कर नहीं पाई, अच्छा 11,000 दे, 11,000 नहीं दे पाई, 11 रुपया दो। किसी ने किसी प्रकार से आपसे पैसा नहीं, तो इसलिए दान चार कहने लगे मैं नहीं जाते भाई, फिर तो एकदम नहीं मैं नहीं करता। इनको पत्नी कहने लगे भाई जाओ जीवन में एक बार तो क्या करो गंगा स्नान करके आओ। ये देखो विचार करने लगे, चलो प्रात काल में कुछ उनके घर से गंगा कितने 25 किलोमीटर था, कितने 25 किलोमीटर प्रात काल में चल पड़े, बिल्कुल बनिया ने वो भी कितने छान पड़ा हुआ है पता नहीं, बनिया ने वो भी धोया नहीं कभी, आजकल साबुन लगाते हैं ना उसमें तो सोडा था ना सोडा, वो भी पैसा नहीं खर्च करते। चल गंगा स्नान करके जा गए, 25 किलोमीटर चलते चलते गए, विचार करने लगे जहां पर कोई व्यक्ति नहीं है उसी स्थान पर जब मैं स्नान कर, चलो गंगा स्नान करते चल पड़े। एक मुर्दा के घाट है जहां पर कुत्ता आदि जो घूम रहे, कुत्ते है ना घूम रहा था, बिल्कुल शमशान था, कोई व्यक्ति नहीं था, बोले हाँ ये स्थान अच्छा है, दूसरे स्थान में जाए तो ब्राह्मण लोग कहेंगे पैसा दो पैसा दो पैसा दो, इसलिए उन्होंने क्या कि मुर्दा घाट में जाकर के स्नान करना शुरू कर, एक डुबकी लगाई दूसरी डुबकी लगाई तीसरी डुबकी लगाई गंगा स्नान करे, एक ब्राह्मण खड़ा हो गया। ब्राह्मण बोले भैया देखो ये मेरा घाट है दक्षिणा को, आप ब्राह्मण बोले अरे तू कहां से आ गया, बोले क्या करो भाई, भाई हम ब्राह्मण लोग हैं कहां पर जाए, ये मेरा है इसी घाट में, कोई आता तो नहीं, कोई है मुर्दा घाट में कोई आता है, मुर्दा जाकर के लोग चले जाते हैं स्नान करने तो दक्षिणा को, तू जैसे है यार तो मिल गया, कम से कम मेरा कुछ दे करके जाते, अच्छा बताओ कितने देना है, कोई बात नहीं 11,000 रुपये, 11,000 इतना ऐसा मत नहीं, अरे मैं नहीं, अच्छा कोई बात नहीं 1100 रुपये दे, बोले नहीं नहीं मैं नहीं, अच्छा 1100 रुपये दे, दान चांद बोले
करने के एक काम का जो दान दे तो अच्छा तू लेकर के जा। बोले क्या लेकर के जा? अरे उधार तो लेकर के जा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो क्या करो? आजकल क्या बोलते, डेबिट कार्ड के डेबिट कार्ड में क्रेडिट कार्ड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? क्रेडिट कार्ड। बोले पैसा नहीं है, बाद में दे दो, बैंक में जमा कर दे। अरे बोले कितना? बोले कोई बात नहीं, मैं एक पैसा दे दूंगा। दान चालू बोले ठीक है, आज गंगा स्नान मैं कर लिया, मैं एक पैसा दे। मन मन विचार करने लगे, 25 किलोमीटर कोई जाए एक पैसा के लिए? आप जाओगे सुबह से लेकर के शाम तक और फिर लौटना पड़ेगा 25 से 50 किलोमीटर, एक पैसा के लिए कौन जाएगा? इसने कहा ठीक है एक पैसा चले। ब्राह्मण भी ठीक है, फिर दान चांद स्नान करके चल पड़े। चलते चलते शाम हो गया, बेचारा थके हुए थे, घर में जाकर के पत्नी तो रोटी और सब्जी बनाई। फिर आज वो भी क्या है, एक बैगुन है ना, बैगुन जो है एक बैगुन के जला करके रसोई पूरी बनाई, उसमें तो तेल खरीदना पड़ेगा ना, कुछ नहीं है, एक थोड़ा सा ऐसे बैगुन बैगुन उसके जलाया और थोड़ा सा नमक डाल और एक रोटी बनाई, खाने के लिए बैठे। इतने समय घंटी बजने लगी, पत्नी दरवाजा खोल, बोले क्या ज्ञानचंद के मकान है? हाँ जी। बोले ज्ञानचंद काम है? बोले भोजन कर रहे। बोले आप कौन हो? बोले देखो मैं ब्राह्मण हूं, मेरे पास एक पैसा उधार लिया था। पुत्री जाकर के बोले, पुत्री बोली देखो आप इससे उधार लिया था। बोले उधार? ओ अरे वो गंगा स्नान के समय ब्राह्मण के मैं बोला था एक पैसा वो आ गया। हाँ जी। दान चांद बोले जा पुत्री के बोले बोल दे अभी दान चांद की तबीयत ठीक नहीं है, बीमार। क्या है? बीमार है, 2-4 दिन के बाद दे देंगे। पत्नी भी ऐसी है, पत्नी आकर के बोली क्या हमारे पति देव जी बीमार है, 2-4 दिन के बाद आप आइए दे देंगे। एक पैसे के लिए फिर कौन आएगा? किंतु ब्राह्मण भी कम नहीं है। ब्राह्मण कहने लगे देखो ये दान चांद मेरा यजमान है और मैं उनकी पूरा ही ब्राह्मण है। ये भाई देखो गुरु शिष्य की बात है ना, शिष्य तो पुत्र के समान होता है, गुरु पिता के समान होता है। किसी के बेटा बीमार हो जाए और सुनाई पड़े कि पिता उस घर से छोड़ करके चले जाएं, मैं नहीं जाता, ठीक है ये काम करो मैं बाहर रहता हूं, मेरे लिए फलाहार की व्यवस्था कर दो। क्या कर देना? ज्यादा नहीं है, 2 केला, 2 केला, 1 अमरुद, 4, 1, 2 और कुछ फल। पुत्री भी ऐसी बोली, बोले वो ब्राह्मण आ गया, बोले तो घर छोड़ के नहीं जाएंगे, बोले फलाहार करो। दान चांद विचार करने लगा अभी क्या की जाए। कहने लगे दान चंद्र पुत्री के बोली आज जाकर बोल दो दान चांद क्या हो गया, मर गया। दानचंद क्या हो गया? मर गया। और ये मर गया तो कोई कहां से हुआ? पत्नी भी ऐसी है, पत्नी आकर के बोले दे हमारे पति देव तो मर गए। ब्राह्मण भी कहने लगे भाई मेरा बेटा मर गया, मैं क्या करूं? ये तो मुखाग्नि मुझे ही करना पड़ेगा, शांत शांति जो कुछ भी है मैं करना पड़ेगा। करना देखो ब्राह्मण क्या की साथ ही साथ गांव में जाकर के सबको समाचार दे दिया रामचंद्र मर गया। गांव वाले लोग तो दूर दूर क्या बड़े क्या हुए और रामचंद्र भी ऐसे लेट गए और बिल्कुल सांस को ऐसे रोक कर ऐसे भाई गांव के वृद्ध लोग कहने लगे अरे हाँ हाँ इसको कोई हाथ पास तो नहीं चल मर अरे चल ससान में ले जाते इसको जला देते
और पत्नी का लेना नहीं नहीं मरे नहीं है जिंदा है जिंदा है। तो अपने विधवा के विधवा के डर से कहनी है जिंदा है मरियम। भाई इसको तो ले गए बिल्कुल उसके जो शमशान भी है लकड़ी के ऊपर वो लेटा थे तथापि वो सांस कैसे रुके। ब्राह्मण कहने लगे अरे तमचान एक पैसा के लिए सांस भले कर रुके मरे नहीं तो जिंदा हो है। गांव वाले कह रहे गांव वाले भी जाएंगे ये मेरा बेटा है मेरा जजमान है इसके जो कुछ भी करना है मैं करूं। गांव वाले तो आगे हम किंतु देखो वो ऐसे सांस तमचान बिल्कुल सांस रुक करके रखिए। अरे पपी जलाया उसके मुखाग्नि देने वाले पपी होता है तो ब्राह्मण कहने लगे अरे तमचांद मैं साधारण ब्राह्मण नहीं हूं मैं साक्षात भगवान हूं मेरे स्वरूप दर्शन कर ब्रह्मा आदि बड़े देवता लोग मेरे दर्शन के लिए तरसते रहते हैं मैं चतुर्भुज नारायण भगवान मेरे दर्शन कर। चांद चांद मणि मणि विचार करने लगे भक्त सैया यदि भगवान हो दर्शन हो जाए चतुर्भुज भगवान के एक बार दर्शन हो जाए। देखो दाम चांद ने कह दी आंख खुला आंख खुलने के साथ ही साथ वही ब्राह्मण दिखाई पड़ा फिर आंख खुल गई बिल्कुल आगे से बंद करके आवाज भगवान कहने लगे अरे दाम चांद अरे मैं साधारण ब्राह्मण नहीं मैं साक्षात भगवान हूं मुझे दर्शन कर। दो बार चार बार तो बोले किंतु दानचांद मन में विचार करने क्या तथापि दानचांद अपने सांस सांस को जो है रुक करके रखे। भगवान कहने लगे दानचांद तू एक पैसा के लिए अपने मरने के तैयार है दान देना नहीं चाहते है। मैं कितने बड़े बड़े असुरों के मैं पछाड़ दिया किंतु तुम्हारे पास मैं हार गया बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भगवान कह दिया तू गंगा स्नान किया कि व्यर्थ नहीं जाएगा तो मेरा दर्शन कर। देखो भगवत धाम भगवत पवित्र नदी आदि में स्नान गंगा आदि स्नान व्यर्थ नहीं होता। एक बार भी गंगा स्नान में जाए एक बार भी भागवत कथा की श्रवण कर ले तो व्यर्थ नहीं है। अब जिस कथा प्रसंग में हम लोग बता रहे चल रहे कथा ये आत्मदेव ब्राह्मण तो बहुत कंजूस था धनाढ्य थे धनवान थे किंतु दान दक्षिणा नहीं करता था और उनके पास में पुत्र बनना भी नहीं था। ऐसे करते करते उनके युवा अवस्था ढल गया चले देखा कोई पुत्र संतान नहीं है धन बहुत है क्या करें। एक दिन रोते रोते एक स्थान पर घूम गए देखा भगवान की इच्छा से संत महात्मा पधारे। संत महात्मा आत्मदेव ब्राह्मण के ऐसे दुखित देख करके कहने लगे क्या बात है बस संत महात्मा यदि संत महात्मा देख करके आत्मदेव ब्राह्मण रोते रोते कहने लगे इस नाश साथ मेरे पास तो धन संपत्ति है किंतु मेरे पास कोई पुत्र संतान नहीं है इसलिए मैं दुखी मैं क्या। उस समय सन्यासी ठाकुर का मेरे संत महात्मा कहने लगे ये देखो इस संसार में पुत्र संतान अति प्राप्त है अपने अपने पूर्व जन्म की कर्म के अनुसार होता है शास्त्र में कहा गया पुण्य पुत्र भाग्य भाज्या तभी राजा जो तपस्या आदि करते हैं उनके राजपद प्राप्त होते हैं। भाग्य जिसकी अच्छी है उनकी अच्छी पुत्री मिल जाती और पुण्य पुत्र जो अच्छे पुण्यवान करते दान पुण्य आदि करते हैं
उसके अच्छे पुत्र बनते हैं। जब पुण्य पुत्र भाग्य भाजा तभी राज तुम्हारे ऐसे कई लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, मैं क्या करूं। सप्ताह जन्म अवधि एक जन्म नहीं है, सात जन्म तक तुम्हें कोई पुत्र संतान नहीं मिला। आत्मदेव ऐसे कथा सुन करके तो रो पड़ी, सात जन्म, अरे इसी जन्म में तुम्हें से मैं रो रहा हूं, मेरा कोई पुत्र संतान नहीं। आपने क्या कहा, सप्ताह जन्म जन्म अवधि सात जन्म तक तुम्हें कोई पुत्र संतान नहीं मिला। रोने रोने लगे संत, वो संत महा के चरण पकड़ के रोने लगे, कहने लगे महाराज कितने प्रकार से मुझे एक संतान प्रदान करें। वो आत्मदेव ब्राह्मण की इसी प्रकार डिवोर्स देख करके दुखी देख करके संत महात्मा कहने लगे देखो मैं एक फल देता हूं, इस फल में जो है अपनी पत्नी को खिला और विधि विधान के अनुसार रहे और समय पर वो गर्भवती हो और एक सुंदर बालक के जन्म। आत्मदेव ब्राह्मण ने वह फल के लेकर के अपने गृह में आ गए और अपनी पत्नी क्या नाम था धुंधली, धुंधली के देवी कहने लगे देखो ये फल खाने से तुम गर्भवती हो और सुंदर एक संतान प्रसव। धुंधली विचार करने वाले भाई फल तक कितने लोग फल खाते हैं, गर्भवती हो जाते हैं, बच्चा होता है कि कहां से है, है? कौन सा संत महात्मा के चक्कर में पड़ गया पता नहीं है। अरे आजकल संत महात्मा पे विश्वास करते हैं, कौन संत है असंत है, है? विश्वास करना नहीं चाहिए, पता नहीं किस क्यों कौन सा संत संत महात्मा के चक्कर में पड़ा है। आजकल लोग कहते हैं ना मंदिर में क्यों जाते हैं, बाबा जी के चक्कर में क्यों पड़ते हो भाई, है? अरे बाबा जी के चक्कर में मत पड़ो, है? ये सब फर्जी है, दो नंबर ये तीन नंबर ये सब, बाबा जी के चक्कर में मत पड़ो सब, है? उसी प्रकार धुंधली कहने लगी अरे हमारे पति देव कौन सा संत महा के चक्कर में पड़ गए कि फल खाने से बच्चा होता है, है? होता है क्या मतलब कितने तो फल है ये पड़ेगा, ये कहां से आ गया, कौन सा संत महा के चक्कर में पड़ा, चलो अब तो ले लिया। मनी मनी विचार करने लगे क्या किया, विचार भी ये भी डर भी है, हो सकता है कौन संत है असंत है, सब संत तो एक नहीं है ना, है? अच्छे भी है और बुरे भी है, अच्छा बात सही है कि नहीं है, देखने में तो सब एक ही जैसे दिखाई पड़ते ऊपर से लाल कपड़े वाले सब साधु है सब, किंतु कौन अच्छी सच्ची है कौन क्या है कौन कैसे पता चले, इसमें मन में भी डर भी है, यदि खा लिया फल खा लिया तो क्या होगा गर्भवती, कोई चोर आ गए तो मैं दौड़ नहीं पाऊ और भी पता भी नहीं है, पेट बड़ा हो जाए सो भी नहीं पाऊ, अच्छी चीज टट्टी मिठाई मैं खाऊं, है? हो सके चोर डके घर में आ जाए दौड़ कर दौड़ करके जा नहीं पाऊ और नहीं चोर डके हमें मार करके चले जाए। इसी प्रकार धुंधली अनेक प्रकार मन में विचार विचार कर रही है, क्या किया इतने समय उनकी कोई एक दूर जो है संबंध संपर्क जो है बहन आ गई, कहने लगी बहन क्या बात हुई इतने चिंतित क्यों हो रही, धुंधली सारी कथा सुनाई हमारे पतिदेव कहां कोई संत महात्मा के चक्कर में पड़ के एक फल दे दिया, ये फल खाने से बच्चा हो क्या करें, उनके बहन कहने लगी अरे बहन तो सहज पाए सुनो मैं गर्भवती हूं आज अब एक महीने एक काम करो
अच्छा दे देना। और मेरे बच्चा होने के साथ ही साथ रातों रात में तुम्हारे घर में मैं पूछा है? और तुम क्या करो, अपने पेट में जो है कपड़ा बांध करके रखो, रुख दिखाओ जो मैं करूं, धुंधली विचार करके बात से उन्होंने क्या, जो फल के संत महावीर दिए हुए फल को उन्होंने क्या की, गाय को देखो संत महात्मा के दिए हुए फल व्यर्थ नहीं लगा, आश्चर्य की बात। उनके घर में जब गाय आपने ब्राह्मण के गाय क्या हुई, गर्भवती है। और समय के अनुसार देखो उनके बहन बच्चा को जन्म दिया, रातों रात उन्होंने क्या की, आत्मदेव ब्राह्मण के घर में पहुंचा दिया। और उस समय आत्मदेव ब्राह्मण घर में नहीं थे, कहां चले गए, देखो हल्ला कर दिया। सुप्रातन काल में आत्मदेव ब्राह्मण के घर में बालक जन्म दिया। और देखो भगवान की इच्छा से उसी दिन ही आत्मदेव ब्राह्मण की गाय भी सुंदर एक मानव शिशु के जो है जन्म देते, केवल उसके कान जो था गाय के मान, इसलिए नाम ही रख दिया आत्मदेव ब्राह्मण, क्या नाम रखा, गोकर्ण। और धुंधली के पुत्र होने के नाते आत्मदेव ब्राह्मण उनके बालक के नाम रख दिया क्या, धुंधु का है? मां के नाम से थोड़ा धुंधुकारी नाम था। बस गांव में तो इतने प्रचार होने लगे, अरे भगवान जिसको देते हैं ना कैसे देते हैं, बोले छप्पन, अरे उनके पुत्र तो ब्राह्मण को नहीं, ब्राह्मण की पुत्री धुंधली के पुत्र संतान के जन्म दिया, और साथ ही साथ देखो उनके गाय भी एक बच्चन भी जन्म देते हैं। चलो आत्मदेव ब्राह्मण के लिए पिता नहीं था, चलो दोनों बालक के जो है आत्मदेव ब्राह्मण पालन पोषण करते, ऐसे करते करते दोनों बालक छुपा दो, धुंधुकारी और गोकर्ण, इन दोनों के स्वभाव विपरीत का है। धुंधुकारी दुष्ट दुराचार, जब छोटा बालक को क्या करता है, खेल कूद करते किस पे चाकू लगा दे मार दे, दुष्ट है धुंधुकारी, इतने दुष्ट है, छोटे छोटे बालक के साथ खेल कूद करते करते बहुत शानदार चाकू लेकर के मार दे, इस बच्चे के उठा करके कुएं में गिरा दे, ऐसे दुष्ट दुराचार। किंतु देखो गोकर्ण वास्तव रूप में ब्राह्मण स्वभाव वाले थे, परोपकारी, वेदक शास्त्र आदि अध्ययन आदि करने लगे, परोपकारी, विनयी, समस्त प्रकार के सद्गुण गोकर्ण में। कुछ समय के बाद धुंधुकारी अपने पिताजी के कहने लगे, पिताजी मुझे पैसा, शराब भी जब शराब पीना शुरू कर दिया, गांजा भांग कुछ नहीं उनके पास है, और क्या क्या सब करने दुराज है। और हर रोज रात 10 बजे 11 12 बजे 1 बजे आकर के बस भलना मचाते रहते, शराब पीकर क्या है, पिटाई करना शुरू करते, माता पिता को पिटाई करना शुरू करते। आत्मदेव ब्राह्मण मन में विचार करने लगे, पुत्र नहीं था अच्छी, एक तो शांति नहीं था, ये तो आज क्या करें, बहुत दुखी। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र गोकर्ण के कहने लगे, गोकर्ण मुझे बताओ क्या करें। उस समय गोकर्ण अपने पिताजी के सुंदर उपदेश दिया, संसार दुख रूपी विमुख, ये पिता ये संसार दुखमय है, कोई सुखी है हाथ उठाई, पागल हाथ उठा देंगे, पागल सुखी है, क्यों पागल है ना,
सुखी है, दरिद्र कहे धनी सुखी, और धनी कहे महाधनी सुखी, और महाधनी कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे वैदिक सुखी, जो हरि भजे वही सुखी। माने अथवा नहीं माने, जो हरि भजन करता है वो सुखी है। निष्क्रम रूप में भगवान के भजन को क्या कहते हैं, वास्तविक सत्य इस संसार में कोई सुखी नहीं। इसलिए गोपाल ने कहने लिए पिता हो ही पिता पिता सुनिए, इस संसार में सब कुछ दुख माए कौन तुम्हारा है जिसको आप मित्र मानते हैं, आज मित्र मान रहे काल सत्य बन जाता है। जीवन में सबके जीवन में कभी निकली आ ही जाता है, बहुत मित्र मान रहे हैं किंतु वो क्या करते हैं, चाकू चला मुख में बहुत सुंदर सुंदर मीठी मीठी बात करते रहते हैं, और अंदर ही क्या करते चाकू चला दुष्ट है। जिसको मित्र मानते वो मित्र नहीं, हजार की समझाए समझने वाले है, एक माँ बोले जे मेरा बेटा कभी हारता ही नहीं है, कभी हारते नहीं, बोले क्यों, पर किसके मानते ही नहीं, बोले किसके माने, किसके बात माने तब तो हारे जाओ। संसार में ऐसी बहुत अपने बातों पर वो अर्ण के रखते दुष्ट है, ऊपर से बहुत सब मीठी मीठी बात करते रहते हैं, इसलिए कहा जाता है बहुत सुंदर मीठी मीठी बात बोलते रहते हैं, सारे पैसा आपको उठा फिरा लेगा, आज में पूरा आपके बैंक बैलेंस खाली कर देंगे। इस संसार इस इसे असार बहुत संसार दुख रूपी विमुख सुतम धन शानुली, हे पितो ये संसार को छोड़ करके एक मंत्र वृंदावन में जाकर हरि भजन किया, यही सार है, जीवन की सार क्या है, भगवत भजन। यदि भगवान के भजन नहीं किया तो पछताना पड़ेगा, ये माने ना माने, एक दिन ना एक दिन विचार करना पड़ेगा। इसी प्रकार गोकर्ण अपने पिताजी के बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिया, हे पितर आप जाइए भगवान के भजन की। इसी प्रकार पुत्र की सुंदर अमूल वचनों की श्रवण करके आप उन्हें ब्राह्मण ने किया कि घर संसार छोड़ करके चले गए भगवत भजन करने, और इधर धुंधुकारी देखा तो पिता में घर पिताजी के घर में नहीं है, माँ है, और उस माँ की पिटाई करने लगी, पिताजी कहाँ था, ब्रश करके गया, बताओ। हर रोज 11-12 बजे शराब पी करके आ करके माँ की पिटाई करने लगी, पैसा दो पैसा दो। क्या एक दिन उनके माँ ने क्या धुंध का धुंधली ने क्या की, कुएं में जाकर के आत्महत्या कर, क्या करते गोकर्ण देखा पिताजी भी चले गए संसार की कोई जाएगी, गोकर्ण भी अपने घर संसार को छप छोड़ करके तीर्थ पर्यटन तीर्थ भ्रमण करने के लिए चल पड़े, तीर्थ भ्रमण करने लगे, और इधर धुंधुकारी देखा तो घर में कोई है, चोरी करना उनके स्वभाव ही बन गया,
मदिरा शराब पीना, उनके तो और ही स्वभाव ही नहीं। यहाँ तक ये जितने पुराचारित करने लगे, घर में पांच विषम को रख दिया। कितने? पांच विषम। चरी करके जो कुछ धन अपहरण करके लेकर के आते थे और वो पांच विषम को देते। एक दिन रात के समय शराब पी करके कहीं से धन राज को से धन चोरी करके लेकर आए और लेकर के पांच विषम में दे दिया। पांच विषम में देखा, अरे ये तो राजकोष के धन है, राजा के लोग आ जाएंगे प्रातः काल के, हम लोग तो मारेंगे और जेल में डाल देंगे। क्या करें? तो पांच विषम ने किया कि मीटिंग किया, अरे ये क्या किया, धन तो बहुत अमूल्य धन है, हीरे जवाहरात आदि बहुत मूल्यवान धन। पांच वेश्या ने क्या करने लगे, वो धुंधुकारी शराब पिए हुए थे और पांच वेश्या ने किया कि उसके पैर और हाथ को रस्सी से कस करके बांध देता और बांध करके अच्छी से पिटाई करने लगे, हरि प्राण नहीं कर। देखो पांच वेश्या ने किया कि अंत में चलती हुई लकड़ी जो है ना, बिल्कुल धुंध करके मुंह पर और पिटाई कर उससे धुंध करी मर गया। और विचार करके क्या किया, घर के आंगन पर एक कुआं था, उस कुएं में उसको डाल दिया और देखे घोड़ा एक पत्थर ढक गया और रातों रात पांच वेश्याओं ने कि सारे हीरे जहरे जो चोरी करके लाए थे सब लेकर के फरार हो गए। चल कहां कोई बताई, देखो यहां पर कहा जाता है जो ऐसे अपघात में मृत्यु होता है उसके कौन सा जनी मिलता है, प्रेत जनी। क्या जनी? प्रेत जनी। भूत पिशाच लोग विश्वास नहीं करते, शास्त्र में ऐसे लिखा गया गुरु अपरहित धन, माने गुरु के धन को जो चोरी करता है मृत्यु के बाद उनकी ऐसे प्रेत जन्म होना पड़ता है। अग्नि पुराण आदि ग्रंथ में यह समस्त लिखा है कौन व्यक्ति मरने के बाद कैसे उनकी जड़ी प्राप्त होती है। ये देखो धुंधुकारी क्या होकर जन्म लिया, प्रेत जनी भूत पिशाच होकर जन्म लिया और सारे गांव वाले के सताने लगे। कोई रात में कोई आ जाते तो अंधकार में और पिशाच अग्नि के रूप धारण कर लेते ऐसे डरा के रहा में सत्य है रहते। किसी के घर किसी के पास कभी कोई रूप धारण कर देते, कोई कभी बिल्ली के रूप धारण कर लेते हैं, कभी गाय के रूप धारण कर लेते हैं, कभी कुत्ते के रूप धारण कर लेते, सर्प के रूप धारण, सांप के रूप धारण कर लेते, लोग इनके डरा के ना गांव वाले सब राशन से घर छोड़कर सब चले गए भूत होकर के ना। वो धुंधुकारी भूत होकर के गांव में उसी पर सब डरा दिया, गांव वाले छोड़ के चले गए। आज तक भी राजस्थान में ऐसे कुछ स्थान है, बहुत खतरनाक स्थान कहा जाता है। भूत पिशाच इतने दिन तक की बात, रात की तो बात छोड़ दीजिए, दिन में भी लोग नहीं जाते उस स्थान पर। भूत पिशाच ऐसे रहते लोग विश्वास नहीं करते, हमारे शास्त्र नाम से कहा है जो धुंधुकारी क्या बना, पिशाच भूत पिशाच। इधर वो करना सर्वत्र भ्रमण करते करते एक दिन अपने गांव में आकर के पूछ देखा गांव में कोई है ही नहीं, बिल्कुल यह सन्नाटा पड़ा हुआ था। रात्रि काल में अपने गृह में मां करके वो करना एक खटिए के ऊपर सो गए,
कोई तो है ही नहीं। देखो उनके खटिया में रात 12 बजे कोई एक व्यक्ति उस खटिया को ऐसे हिला रहे हैं। ये क्या बात है, अरे कौन हो कुछ बताए। फिर कुछ समय उस दिशा से अगर रोने के शब्द रोने रो रहे कोई रो रहे ऐसे शब्द आने लगे, वो भी ऐसे शब्द हा 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 हा। गोकर्ण विचार करने की बात क्या, गोकर्ण कहने लगे तुम कौन हो सामने आओ। तब वो कहा करके कहने लगे भैया मैं तुम्हारी भाई धुंधुकारी हूं, मेरे इसी प्रकार के अपघात से मृत्यु होने से मैं भूत पिशाच हूं, मेरे प्राण से भी मुक्त कराओ। देखो वो करने के भी जितने भी तीर्थ है गंगा आदि जितने भी पवित्र तीर्थ है गया से लेकर समस्त तीर्थ में उनके लिए क्या कर दिया, पिंड दान दे दिया। शास्त्र में लिखा गया मृत्यु के पश्चात उनके उद्देश्य करके यदि पिंड दान दिया जाए तो उनको क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। अब ये पितरी पक्ष इसलिए तो चल रहे हैं, लोग करते रहते हैं पिंड दान करते रहते हैं, खिलाते किसको है, ब्राह्मण को खिलाते हैं, शरीर नहीं पड़ते पर क्योंकि धुंधकारी कहने लगे कोई होकर उसी प्रकार अपने भाई के लिए समस्त तीर्थ में जितने भी तीर्थ है समस्त तीर्थ में गई और पिंड दान दिया है। काशी तीर्थ वाराणसी कालवी ना ताप्ती जितने भी नर्मदा जितने भी पवित्र नदियां तीर्थ देती है समस्त तीर्थ में जाकर के उन्होंने पिंड दान दिया। कुछ नहीं महापापी जो होते ना ऐसे कुछ नहीं उद्धार नहीं। तब उस समय वो पर नसंग विचार करने लगे मेरे भाई के कैसे उद्धार हो। तब उस समय उन्होंने साक्षात सूर्यदेव के स्मरण किया और सूर्यदेव उनके आकर के बताया ये गोकर्ण तुम्हारे भाई महापापी है, अति पापी महापापी जिसके सामान्य पिंडदान से उद्धार नहीं हो, इसके उद्धार के लिए क्या चाहिए मैं बताता हूं, इसके लिए काम करो भागवत कथा श्रवण कराओ। वास्तविक सत्य है भागवत कथा श्रवण से समस्त जीवों के क्या हो जाता है पाप हो जाता है। संतो वृद्धो अवरुद्धते सुश्रवी तत्ना इस कथा को सुन करके स्वयं गोकर्ण ने क्या की सारे गांव वालों को बुलाया और उसी स्थान पर भागवत 7 दिन भागवत की कथा प्रारंभ कर दिया है। और एक विशेष ब्राह्मण के जो जमाने ने बनाया ये कथा सुने है, और भी तो कथा सुनने वाले बोलते हैं किंतु उसमें ये प्रधान क्या होता है जजमान होता है तो सुने है। 7 दिन भागवत कथा और कैसे सेवन कराए, ये 7 गांठ वाले बांस को रख दिया और अपने मंत्र को पकड़ के अपने भाई को बैठा दिया है। ये विधान होता है एक एक दिन कथा होने लगे और एक एक बांस के गांठ अपने जगह फट 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 जाते ऐसे करते करते 7 दिन भागवत कथा समाप्त हुई और साक्षात वैकुंठ से विमान प्रकट हो गए और उनके भाई वो धुंधकारी प्रेत जनि से मुक्त होकर के साक्षात दिव्य शरीर किरीट अनेक जो है अलंकार के द्वारा सुयुक्त सुंदर रूप धारण करके और भागवत ने अपने भाई परिक्रमा करके वो दिव्य विमान में बैठ करके वैकुंठ के लिए वृंदावन बिहारी साक्षात में सभी लोगों ने देखा
ये भागवत कथा श्रवण के फल क्या है? आप लोग जो बैठे हुए सात दिन यदि आप नियम करके भागवत कथा श्रवण करें 100% गारंटी है आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और मृत्यु के पश्चात अति अवश्य ही भगवान प्राप्त करो। इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु कैसे करना चाहिए? श्रद्धा के साथ। आज सुन लिया काल नहीं सुनेंगे, ऐसे नहीं श्रवण करना पड़ेगा। और भी भागवत श्रवण के विधि भी शास्त्र में दिया गया है, कैसे श्रवण करना है ये भी विधान है। कथा के भी पेड़ बैठ जाओ बस निश्चल किताब को होकर के बैठ समझते कंसंट्रेट योर माइंड कंप्लीट रहे चित्त के स्थिर करके कथा ये तो इस कान से सुनी और इस कान से श्रवण करना पड़ेगा। चलो आगे की कथा सुना दे, तुम समय हो गया एक कीर्तन भोजन इसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद, फिर काल आप लोग पधारिए। अभी पितरों देखो इस कथा मैंने कहा ना, देखो पितरों के साथ शांति करने से जो फल होता है उसे सैकड़ों गुण फल आपको प्राप्ति होगा यदि इस सात दिन भागवत कथा श्रवण कर अपने पितरों की भी आह्वान कर लिए बुला लीजिए ये पर ये घड़ा जो उठाया इसमें पितरों भी उठा पितरों भी बुला लीजिए वो भी कथा सुनी उद्धार होगा विश्वास करो। सारे श्रोताओं ने देखा आश्चर्य होकर के देखा ये गोकुल के भाई धुंधुकारी सच्चा सुंदर देव रूप मान धारण करके और देव विमान में बैठ करके वैकुंठ की तरफ चले। सारे श्रोता लोग कहने लगे भाई हमारे हम लोग भी श्रवण किया और तुम्हारे भाई के लिए केवल विमान आ गया, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? अपने सबके लिए कथा वादक सबके लिए होते अपने भाई का उद्धार कर दिया और हम लोग एक दूसरे के पैसे बैठे। उस समय शास्त्र कार्य कहते सर्वनेत्र तो नहीं वो फलम केवल सुनने से फल नहीं है मनने में तो फलम। ये देखो श्रवण के साथ ही साथ क्या करना चाहिए चिंतन करना चाहिए मैंने क्या श्रवण किया आज जो कथा सुनी आज याद करके आना पड़ा मुझे। मैं स्कूल में गए और सुना सब कुछ और गुरु के देकर के चले गए। कभी कभी पंडित जी हमें सुनाते संस्कृत के पंडित जी कहते हैं काल मैंने जो पंडित जी कहने लगे टीचर कहने लगे काल मैंने जो पढ़ाया था क्या सुना अरे गुरुदेव आप तो हर रोज कहते हैं ये गुरु के क्या देना चाहिए दक्षिणा देना चाहिए अरे गुरु दक्षिणा बिना फल नहीं मिलता इसलिए गुरुदेव आपने कथा सुनाए ना मैं जाने के समय वही आपको दक्षिणा दे कर जो सुना आपको दिख पर ऐसे जो श्रवण सुन करके जाओगे वो क्या जाना इसलिए कार्य श्रवण तो नहीं वो फलम केवल भागवत कथा श्रवण से नहीं उनको क्या करना पड़ेगा चिंतन करना पड़ेगा मनन करना पड़ेगा। इसी प्रकार कहने पर समस्त श्रोताओं कहने लगे उन्होंने भागवत कथा श्रवण कराई। गोकर्ण ने क्या की पुनः भागवत कथा कीर्तन करने लगे सभी श्रोता लोग अत्यंत एकाग्र होकर के मन स्थिर करके भगवत कथा श्रवण किया और अंत में भगवत धाम चल गए। इसलिए कथा हम श्रवण कीजिए आज से हम अत्युत में भागवत कथा प्रारंभ करेंगे। ये श्रीमद् भागवत ही सुंदर ग्रंथ है। तीन श्लोकों के द्वारा श्री व्यासदेव जी ने भागवत के अपूर्व महिमा वर्णन किया। पहली श्लोक जन्मांतर श्लोक के बाद दूसरी श्लोक जो है
धर्म प्रचिन्न वैद्य श्लोक के द्वारा तीसरी श्लोक जो है वास्तव भागवत की स्वरूप वर्णन हो रहे हैं। भागवत रस माले मुहुरो रसिका भूमि इन तीनों श्लोकों के द्वारा भागवत की एक विशेष स्वरूप के वर्णन किया गया। ये भागवत जो ग्रंथ से कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये साक्षात भगवान जीव कल्याण के लिए ही प्रकट हुए। इसलिए भागवत ग्रंथ की कहा जाता है ये वाङ्मय मुक्ति कहा जाता है। साक्षात भगवान वाङ्मय मुक्ति के रूप में प्रकट हुए जिसमें कहा जाता है अपौरुषीय ग्रंथ कहा जाता है। संस्कृत में अपौरुषीय कोई पुरुष के द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान ही जीव कल्याण के लिए ही प्रकट हुए है, कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसमें तीन अधिवेशन के लिए बताया गया है। अल्प भेद से हरी कथा कल्प कल्प में समय के अनुसार भगवान जीव कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। इसमें श्रोता और वक्ता की निर्णय नहीं होता है। इस कथा प्रसंग में हम काल आलोचना करेंगे, आज यहीं पर हम कथा को विश्राम देते हैं और आप लोग के निकट मैं यही निवेदन करता हूँ काल आप लोग कितने बजे 4 बजे आप हैं? 4 बजे आप लोग आइए, 4:30 बजे हम कथा प्रारंभ करेंगे। 4 से लेकर 4:30 तक गुरुदेव की आरती भागवत आरती और 4:30 से हम कथा प्रारंभ करेंगे। कथा के बीच बीच में कीर्तन और समय समय के अनुसार कुछ नाटक आदि भी अनेक प्रकार लीला भी यहाँ पर भक्त लोग भी प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि 4 घंटा कौन बैठता है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात तक कथा सुनी, कितने दिन 7 दिन 7 रात। हम लोग 7 घंटा बहुत दिन का 7 मिनट बैठे में बहुत कठिन होता है, और भागवत की कथा कितने दिन हुई 7 दिन और 7 रात लगातार बंद नहीं है। किंतु कलयुग है, कलयुग में कहां बैठ पाए इतने मनुष्य के पास 4 घंटे बैठना, कहते महाराज 4 घंटे बैठना पड़ेगा भाई, तो कितने बार करवट लेना होता है कि नहीं है? आप लोग को लेने दो, मैं आप लोग तो चलो थोड़ा समय बैठे बैठ चलो बाहर घूम करके आ जाते हैं, कीर्तन चालू हो गया चलो बाहर घूम करके आ जाते हैं। वक्ता जो है बैठना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? वृंदावन बिहारी नाम की, इसलिए कोई भी बात नहीं है, बीच बीच में कुछ मन के भी तो देना पड़ता है, जिसको मन की खुराक कहा जाता है, भजन देना पड़ता है। इसलिए बीच बीच में हमारे भक्त लोग जो है व्यवस्था भी रखे हैं, नित्य गीत की व्यवस्था भी रखे हैं, इस मंत्र से भी आए हैं, मथुरा वृंदावन से आए हैं, ब्रज की कथा ब्रज की कीर्तन सुनाएंगे। बोलो ये ठाकुर जी है, वो कोई साधारण ठाकुर जी नहीं है, ये ठाकुर जी कौन ठाकुर जी है? बोलो राधा रमन बिहारी, ये ब्रज की ठाकुर है, ब्रज की कीर्तन ब्रज की कथा बिना मुझे चंदी पता नींद नहीं आता, जैसे जगन्नाथ जी की गीत गोविंद बिना उनकी नींद नहीं होगी। जब तक गीत गोविंद की बिना नहीं हो कथा नहीं हो, जगन्नाथ जी आज तक ही जगन्नाथ मंदिर में देवदास के और गीत गोविंद सुनाते रहते हैं, तब जगन्नाथ जी धीरे धीरे नाम बंद करके सुन रहे हैं। हमारे रमन बिहार भी उसी कथा की ब्रज की कथा हो, हमारे देवदास सब ब्रज से आ गई
आरती के बाद आप लोग सब महाप्रसाद ग्रहण करें। वृंदावन बिहारी हरि का भजन जो हरि है हरि का भजन जो हरि है हरि का भजन जो hari hai hari hai hari hai hari hai hari hai hari hai Thank you.
जन्म देख मेरा जब
Thank you.